खातिर रात आप हैं आपके लव कोच राहुल माकिन के साथ एंड आज मैंने एक ऐसे शख्स को अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है। ये जो जनाब मेरे लेफ्ट साइड पे आज बैठे हैं, ही इज लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर विमल अरोड़ा, चीफ क्लिनिकल ऑफिसर क्लोव डेंटल। एंड बाय द वे क्लोव डेंटल मुझे पर्सनली फेवरेट मेरा इसलिए है क्योंकि मेरे मम्मी पापा का भी वो फैमिली क्लिनिक है, तो मैं हमेशा उनको वहीं पे भेजता हूँ बिकॉज आई ट्रस्ट क्लोव डेंटल। और एक सीक्रेट की बात मैं आपको बाद में बताऊँगा कि 2 साल हो गए हैं मुझे खुद गए हुए बिकॉज मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था बिकॉज ऑफ दिस पैंडमिक, तो वो सारे क्वेश्चंस मैं एड्रेस करूंगा। बट पहले सर का छोटा सा इंट्रोडक्शन। सर का 40 साल का तजुर्बा है, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है इन आर्मी नेवी एयरफोर्स डेंटल सर्विसेज, और 4 दफ़े इन्हें प्रेसिडेंट मेडल से नवाजा गया है। अमेजिंग सर, सबसे पहले इट इज amazing to have you here. It's really a pleasure to be here. And I'm a little worried you haven't gone to a dentist for last 2 years. Well, I don't know. Should I sit at a distance from you or not? But thank you so much for my introduction. And let's see how do we go about, and can I convince you by the end of this talk? Yes. That dentists are your friends. Yes. हमने ना आपके आने से पहले अपने ही ऑफिस में अपने स्टूडियो में एक सर्वे करवाया, अराउंड 40 लोग हैं यहाँ पर, और उन सबसे पूछा, दो सवाल पूछे गए। सबसे पहला सवाल ये था कि वो कितनी फ्रीक्वेंसी पे जाते हैं, मतलब हमने एक रेंज रखी 6 महीने, तो जैसा माना जाता है कि 6 महीने में एक बार तो आपको जाना ही जाना चाहिए, ज्यादा जा सकते हैं अच्छी बात है, 6 महीने जाना है। तो 40 में से सिर्फ 2 लोग ऐसे थे जो कि 6 महीने में रेगुलरली जा रहे थे। और दूसरा सवाल हमने ये पूछा कि व्हाट आर द टॉप 2 things दैट कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ अ डेंटिस्ट और अ डेंटल विजिट। और ये जो दूसरे सवाल का जवाब था वो था पेन एंड एक्सपेंस। आई नो ये आपको बहुत सरप्राइज कर रहे होंगे दोनों सवाल, पर आप डेंटिस्ट कम्युनिटी में रहते हैं तो शायद आपके लिए ये बहुत सरप्राइजिंग होगा। बट आई एम सो वेरी हैप्पी दैट यू गेव मी दीज फिगर्स। इट्स व्हाई, बिकॉज़ व्हेन यू से 2 out of 40, वेल आई एम नॉट वेरी इंप्रेस्ड, बट व्हेन आई लुक एट इट एट द नेशनल लेवल यू आर एट अ बेटर परसेंटेज। अच्छा, बिकॉज इन द कंट्री आवर परसेंटेज ऑफ पीपल हु actually approach for dental treatments is about 1-3% only. You are at 5%. You are at a better awareness level. I think I need to learn from you. What are you people doing? How can I create more awareness amongst my people so that they don't suffer at all from this dental problem? And this, inhibition in their head of pain, when they think of dentist, they think of pain. So that goes away. At 2021 today, we have such fabulous machinery. It is unimaginable the way a dentist can, he can spin a magic around your teeth and make you look very smart, very handsome, very beautiful, and fit as fiddle. True. So that is regarding the pain. Now, second issue is expense, that very expensive. Dentists are not expensive at all. Let me explain why they are not expensive at all. You see, dentists are doing a lot of service towards providing awareness. That is why the consultations by most of the dentists is kept negligible, almost absolutely negligible. So who is stopping you to go have a consultation, listen to what are the requirements, and whether you get it done or not is up to you then. और सारी बातें हमने आपके दांतों से रिलेटेड कर ली, एंड व्हाई यू आर नॉट गोइंग टू अ डेंटिस्ट वो भी बात कर ली। अब बच्चों के ऊपर आते हैं। बच्चों कहते हैं कि डेंटिस्ट के पास जाने से अच्छा बच्चों को प्रिवेंट करो कि यार उनके वो जो दूध के दांत है वो टूटे ही ना, या फिर 7-8 साल का 10 साल का बच्चा है क्या करना ले जाके। और दूसरी चीज ये है कि बच्चों को चॉकलेट खाने से आइसक्रीम खाने से तो रोका जा ही नहीं सकता। बच्चों को चॉकलेट मना करने से कुछ नहीं होने वाला, बिकॉज कुछ ना कुछ तो मीठा या स्टिकी फूड खाएंगे। आजकल का सारा फूड ही वैसा है, वो सारा ही फूड ऐसा है जो कि कोई ना कोई डेंटल डिजीज करता है।
बच्चों को चॉकलेट खाने दीजिए, लेकिन साथ में एक हैबिट उनमें इनकलकेट कराइए. और हैबिट्स इनकलकेट करना, पेरेंट्स नो द बेस्ट. Whosoever is, you know, bringing up the kids, they do that. So you tell them, I am going to give you chocolate and then you will go for a brushing with me. Now, what we say is the moment you see first tooth in your child's mouth, inculcate the habit of cleaning it. First, the mothers clean it. And as kids, they keep on having teeth in their mouth, you must make sure that in the night, you brush their teeth positively. Make it a group habit. Make it a family, you know, kind of a bonding time. आजकल हमारे पास सीलेंट्स मौजूद हैं, डेंटल वार्निशेस मौजूद हैं. आप बच्चों को चाइल्ड स्पेशलिस्ट जो डेंटिस्ट है या आपका जो भी फेवरेट डेंटिस्ट है, आप उसके पास ले जाइए, बोलिए मेरे बच्चे के मुंह में एक कोटिंग सीलेंट की लगा दो. सीलेंट्स prevent decay to a tune of about 90%, and people don't know it, and it's a negligible cost treatment. So that kind of a facility is available with all dentists, and especially so with, you know, periodontists, the child dentist. Sir, एक चीज और है जो जो आजकल बच्चों में, teenagers में बहुत ज़्यादा देखी जाती है. I don't know the reason. आप ज़्यादा अच्छे से इस पर प्रकाश डाल पाएंगे. मिस अलाइंड टीथ, थोड़े टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं और कई बच्चों को उस वजह से ब्रेसेस भी लग जाते हैं और कई बच्चे नहीं भी लगवाते हैं. उसके बारे में आप बताएंगे क्या कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा सकते हैं या ब्रेसेस इज द ओनली सॉल्यूशन? राहुल, यू आर राइट, बिकॉज द इंसिडेंस और द प्रिवेलेंस ऑफ मैलोक्लूजन एज वी कॉल इट, ये जो टेढ़े मेढ़े दांत हैं या दांत बाहर हैं या ऊपर नीचे हैं या उनका अलाइनमेंट ठीक नहीं है, तो ये हिंदुस्तान में तकरीबन 43% बच्चों में पाया जाता है. और अगर आप एज ग्रुप देखें 13 years to 43 years, दिस इज लिटिल मोर देन, इट्स रीचिंग ऑलमोस्ट 50%. सो जो रीजंस हैं वो डिफरेंट हैं, क्योंकि टूथ साइज और जॉ साइज की अनोमली है. दांत का जो साइज है वो आ रहा है आपके पेरेंट्स से. जॉ जैसे ग्रो कर रहा है वो डिपेंड करता है आपने बच्चों को क्या खिलाया. अगर उन्होंने अच्छा चबाने वाला खाना खाया तो उनके जॉ अच्छे ग्रो करते हैं. अगर उन्होंने ऑल दीज यू नो फास्ट फूड्स एंड दे आर ईटिंग दिस, देन दे हैव द स्मॉल बर्ड जॉज, दांत सारे फिट नहीं होते, फिर आप आते हैं कि ये टेढ़े मेढ़े दांत हैं डॉक्टर के पास कि कुछ करें. ऑर्थोडॉन्टिक ट्रीटमेंट्स आर डन बाय ऑर्थोडॉन्टिस्ट विच आर वेरी हाईली स्पेशलाइज्ड. हम एक किस्म से आजकल तो स्कूलों में ये मतलब एक कूल बन गया, मतलब यू नो आई वेयर ब्रेसेस सो दिस इज द न्यू कूल, फैड है कि मैं ब्रेसेस लगाता हूँ. तो बच्चे कई कलर ब्रेसेस लगाएंगे, कई ट्रांसपेरेंट लगाएंगे. सो दैट वाई इट हैज़ बिकम ए फैड इज क्योंकि नेसेसिटी हो गई है कि वो ट्रीटमेंट कराएं. ट्रीटमेंट कराना सिर्फ लुक्स के लिए ही जरूरी नहीं है. जैसे तकरीबन 70-80% लोगों को डीप बाइट होती है जिनमें कि नीचे वाले दांत ऊपर के मसूड़ों को टकरा रहे हैं. अगर आपने समय रहते नहीं ठीक कराया तो बाय द टाइम यू आर 35, 36, 37 उम्र में जब आएंगे तो आप देखेंगे आपके ऊपर वाले दांत ऑलरेडी हिलने शुरू हो गए हैं, क्योंकि नीचे वाले दांत उनको कॉन्स्टेंटली हिट कर करके, एंड यू रियलाइज नाउ देर इज नथिंग पॉसिबल क्योंकि ऊपर बोन ही नहीं बची. दैट इज वाई, एंड मल्टीपल थिंग्स, आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जाम्पल. सो दैट इज वाई इट इज नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट दैट यू गेट द टीथ करेक्शन डन, बिकॉज दे विल लुक नाइस, यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट, यू विल हैव बेटर पर्सनैलिटी, यू विल स्पीक बेटर, यू विल स्माइल बेटर, बट ऑल्सो फंक्शनली you will have teeth for a longer period of time. But ek mera chhota sa reservation hai sir, jaise abhi humne baat kar rahe the na, wo 40 logon ka jo survey kiya tha usme ek main bhi tha jo bahut dara hua tha about not visiting a dentist. Mere mein wo pain wala cheez nahi tha, na wo expense wala cheez tha. Mera reason kuch aur tha, wo tha covid times. Pichle 1.5 saal se ye covid times chal rahe hain to log ghar se waise hi kam bahar nikal rahe hain. फिर दूसरा रीज़न ये था कि सर मैं दिन में 2 बार ब्रश करता हूँ और कभी पिछले 1.5 साल में दांतों में कोई दर्द हुआ नहीं.
और दूसरी चीज आफ्टर दिस कोविड थिंग, मेरे को वैसे ही डॉक्टर को दिखाने में डर ही लगता है कि क्या करना है वहां जाके। तो अब आपको क्या लगता है, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? Well, I think it's a question which everyone will ask, everyone. So you're not wrong in asking this question. Ki dentist safe hai ke nahi, main jaun ke na jaun, clinic mein ja ke main koi bimari to nahi le aunga. Kya, aur wo bhi virus, especially COVID virus. Now, last wave was very tough because people didn't know much about the virus. अभी तो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो गई है वायरस के बारे में। एट क्लोव डेंटल वी फॉलो द WHO नॉर्म्स, सो ऑल द क्लोव क्लिनिक्स वी हैव यू नो कैप्ट इन माइंड कि हम क्या क्या लुक आफ्टर करेंगे अपनी क्लिनिक में। सबसे पहले हम करते हैं प्रेमिसेस, कि अगर हमारी क्लिनिक है उसको हमारा एक प्रेमिस है 2 कमरे का या 3 कमरे का, हम उसमें क्या करेंगे। सो 4 P's मैं गिनता हूँ, प्रेमिसेस है, पेशेंट्स है, प्रोसीजर्स है एंड प्रिकॉशंस है, 4 P। हमारी क्लिनिक्स में एरोसोल सक्शन एंड डिसइंफेक्शन डिवाइसेस हैं, जहाँ पे हम जो एयर जो आती है एयर रोटर से या पेशेंट के मुंह से वो सक होके, वहीं पेशेंट के मुंह के बाहर से ही सक होके और डिसइंफेक्शन थ्रू 4 फिल्टर्स होके और वापस रूम में वापस आती है एज ए क्लीन एयर। सो इट इज नॉट ए ऑर्डिनरी सक्शन यूनिट। Then we have, you know, the continuous fumigation devices which are constantly working in the clinic, making sure that the complete premises are clean. We have UV chambers, we have formalin chambers, we follow 3-bucket cleaning and disinfection, and we follow a 4-step sterilization protocol which is trademarked with us at Clove Dental, making sure that each instrument, once it is used, passes through 4 steps of sterilization and then it is wrapped in a pouch. And it is only opened in front of the patient that it is for you. We follow 10x safety protocols which are again registered trademark with us, where we tell a patient that we are going to do all this. This is premises. When we talk about our patients, we make sure that patient's history is well known. Can I take up this treatment aaj? Can I postpone it? ऐसा ना करें कि आपको आज बुला लें और बाकी के दूसरे पेशेंट्स को अननेसेसरी एक्सपोजर कर दें। कौन सा प्रोसीजर मैं लेना चाहूंगा, अगर मेरे को डाउटफुल है पेशेंट और मैंने रैपिड एंटीजन टेस्ट इसका नहीं किया, तो मैं क्या सर्जरी इसकी 3 हफ्ते पोस्टपोन कर दूं? तो अननेसेसरली जो एरोसोल वाले जो प्रोसीजर्स हैं वो हम डिफरेंट सर्जरी में करेंगे, केयर लेके करेंगे, प्रिकॉशंस लेके करेंगे, और अगर शक है पेशेंट पे किसी भी तरह का तो हम उसको पोस्टपोन कर देंगे। एंड प्रिकॉशंस हम अपने प्रोसीजर्स में और अपने पीपल में लेते हैं कि सब सारे के सारे वैक्सीनेटेड हैं, सब के रिकॉर्ड्स, टेम्परेचर रिकॉर्ड्स एंड यू नो द SpO2 रिकॉर्ड्स आर रिकॉर्डेड एवरी डे। डिलेइंग ए विजिट इज नॉट ओनली गोइंग टू बी पेनफुल बट ऑल्सो गोइंग टू बी एक्सपेंसिव। दैट इज वाई वी से दैट we can give you a premise which is clean, sterilized, aseptic, disinfected. Go get your treatment done, don't delay, otherwise it's difficult. Now when I see the journals today, scientific journals, Lancet hai bada favorite, bada famous journal hai world ka, similarly we have, you know, Journal of Dental Research, when we see those ki zero positivity kitni ko hui, blood test karke dekha ki jo dentist ya dental staff tha उनमें कितने को परसेंट इन्फेक्शन का रेट आया, वो स्टडी हुई अभी रिसेंटली 3 महीने पहले, उसका रिजल्ट आया कि वो बाकियों से डिफरेंट नहीं थे। इसका मतलब कि डेंटल क्लिनिक्स कोई ऐसी वरी वाला सीन नहीं है कि वहाँ से आप इन्फेक्शन लाएंगे, बल्कि आई विल से सिटिंग इन ए कैफेटेरिया और सिटिंग इन यू नो ए रेस्टोरेंट और ए वेजिटेबल शॉप इज डेफिनेटली मच मोर डेंजरस देन गोइंग टू a dental clinic, but make sure that you pick your dental clinic with care. You talk to him. ये बहुत जरूरी है. And अभी now I'm assured कि अब मुझे चले ही जाना चाहिए. मैंने बहुत ज़्यादा ही delay कर दिया है. Sir ने मुझे बहुत अच्छे से convince कर दिया है. So my next step, जब मैं यहाँ से निकलूँगा studio से, my next step would be कि मैं जल्दी से जल्दी एक appointment book करवाऊँ और check करूँ कि जहाँ भी मैं जा रहा हूँ वो क्या क्लिनिक
क्लोव डेंटल जैसा है, जहाँ पे सेफ्टी का, जहाँ पे आपके हाइजीन का अच्छे से ध्यान रखा जा रहा है कि नहीं। बाय द वे सर, इट वाज लवली मीटिंग यू एंड आपकी टाई मुझे बहुत खूबसूरत लगी। ये जो हल्की हल्की स्माइल्स हैं, इसने बहुत सारे चेहरों पे आज स्माइल लेके आनी है आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड क्लोव का तो मतलब ही आप देखिए ना, सी निकाल दीजिए, क्या बचता है? लव। सो यू विल डेफिनेटली यू नो गेट ऑल द लव from your dentist if you visit a Clove clinic. Thank you very much for watching this video. Thank you very much, sir, for coming. Thank you, Ram. Thank you so much. And Jai Hind, it was a real pleasure.